लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर अक्सर हमारे दिमाग में सवाल भी आता है कि आखिर क्या वजह है कि आजकल कुछ ज्यादा ही रेल हादसे होने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो रेल हादसे हो रहे हैं, क्या वो तकनीकी गड़बड़ी है, मेंटेनेंस की कमी से ऐसा हो रहा है, किसी तरह की लापरवाही है या फिर कोई साजिश। एक के बाद एक रेल हादसों ने सभी का ध्यान इस तरफ खींचा है कि आखिर कुछ सालों से इतनी ज्यादा संख्या में रेल हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरह से लगातार ट्रेन पटरियों पर पत्थर, लकड़ी या कुकर या कोई ऐसा सामान रखा जा रहा है जिससे ट्रेन को पलटाया जा सके, तो इसका मतलब साफ है कि ट्रेन को पलटाने के पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही है। तो क्या लव जिहाद के बाद अब रेल जिहाद की साजिश शुरू हो चुकी है? इसे रेल जिहाद या फिर ट्रेन टेररिज्म भी कह सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 40 दिनों के भीतर ट्रेन को पलटाने के 18 ऐसे मामले सामने आए जो संदेह के दायरे में हैं। ट्रेन को डीरेल करने के मामलों की जांच एनआईए को सौंपी गई है और एनआईए इन सभी ट्रेन हादसों की जांच भी कर रही है। एनआईए को ऐसी आशंका है कि इन सभी ट्रेन हादसों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। रेल की पटरियों पर साजिश करके एक के बाद एक हादसों को अंजाम दिया जा रहा था, तो किसी का ध्यान नहीं गया। पहले तो इसे महज इत्तेफाक या तकनीकी गड़बड़ी तक समझ लिया गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पर्त खुली तो होश उड़ गए कि क्या जिहादी सोच इतनी संकुचित भी हो सकती है जो बेगुनाहों की जान का दुश्मन बनने लगी है, वो भी ट्रेन जिहाद के जरिए। देश में ट्रेन को लगातार डीरेल करने की साजिश के पीछे पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। सेंट्रल जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये आईएसआई के इशारे पर भारत में ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है। ये संगठन ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव है। 2015 में बनाए गए आईएसके का पहला चीफ तहरीक है तालिबान पाकिस्तान का पूर्व कमांडर हाफिज सैयद खान था। ये संगठन गजबाए हिंद के एजेंडे के तहत भारत पर कब्जा करने का इरादा रखता है। जानकारी के मुताबिक यह आतंकी संगठन इंटरनेट के जरिए भारत में युवाओं को आतंकी बनाने की बीते कई सालों से कोशिश कर रहा है। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके में आईएस के खुरासान मॉड्यूल का नाम भी आया था। इसीलिए भारत में रेल जिहाद के पीछे खुरासान का भी हाथ हो सकता है। रेल हादसों को रेल जिहाद से जोड़कर इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकी फरतुल्ला गौरी ने एक वीडियो जारी कर भारत में ट्रेनों पर हमले शुरू करने के आदेश देता दिखाई दिया। वीडियो में आतंकी फरतुल्ला गौरी ने स्लीपर सेल को भारत में तबाही मचाने का निर्देश भी वो देता नजर आया। पिछले कुछ दिनों से देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं उसकी जांच अब तेज हो गई है। अब तक की जांच में सामने आया है कि ज्यादातर ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिशें सबसे बिजी रूट पर हुई है। जब भी ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरती है, उसका ड्राइवर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी उसके पीछे चल रही या पास से गुजर रही ट्रेन को देता है। ज्यादातर मामलों में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही ट्रैक पर संदिग्ध सामान रखे गए थे। रेल हादसों में जानमाल का नुकसान उठाना पड़ जाता है। बालासोर रेल हादसे को कौन भूल सकता है। पिछले 3 से 4 सालों में रेल हादसों में इजाफा काफी तेजी से हुआ। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हादसों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो एक जानकारी के मुताबिक हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी जो है डीरेल हो रही है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक 131 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। इनमें 52 ट्रेन पटरी से बेपटरी हुई यानी डीरेल हो गई। इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल है। अब सवाल यही है कि बदलते दौर में आतंकियों ने अपना प्लानिंग को भी बदल दिया है। रेलवे का नेटवर्क बड़ा होता है, इस वजह से 2400 घंटे पूरे रेलवे ट्रैक की निगरानी करना संभव नहीं है, जिस वजह से आसानी से इसे टारगेट किया जा सकता है। रेलवे में 4th ग्रेड के कर्मचारियों की भारी कमी है, लाखों पद खाली हैं। गैंगमैन लोग जो रेलवे ट्रैक की निगरानी करते थे उसे आधुनिक बनाया गया, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाया। निगरानी की कमी की वजह से हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। एनआईए अब इसी एंगल से जांच भी कर रही है ताकि रेल जिहादियों को पकड़ा जा सके और रेल हादसों पर रोक भी लगाई जा सके। जो ट्रेन देश की लाइफलाइन है वही आतंकियों के निशाने पर है। भारत दुनिया का 4th सबसे बड़ा नेटवर्क है और देश में रोजाना करीब 2,40,00,000 लोग सफर करते हैं। साल 2023-24 में अब तक 648 करोड़ लोग रेल में सफर कर चुके हैं। सबसे ज्यादा राजस्व भी रेल से मिलता है।
ऐसे में अगर रेलवे को आतंकियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है तो ये वाकई चिंता की बात है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है।